नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर। आप सभी ख्वातीनों हजरात का खैर मकदम करता हूं आपके शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज की दास्तानें, आज की पहली दास्तान कहानी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टार की, जिसने एक फिल्म में केवल एक लाइन वाला रोल किया और वो ही रोल हिट हो गया। दूसरी कहानी गुजरे जमाने के विलन के एन सिंह ने क्यों लौटा दिया अपने घर से एक फैन को खाली हाथ। फिर सुनाऊंगा जया भादुड़ी और संजीव कुमार से जुड़ा एक किस्सा। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया में आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता श्री आशीष विद्यार्थी को और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। पांचवें नंबर पर हमारा सेगमेंट फिल्मी त्रुटियों का, जिसका नाम है बड़ा अटपटा लगा। और अंत में जोधपुर से मोहित गौतम का सवाल और हमारा जवाब। अगर आप तैयार हों तो चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 1973 की बात है। श्री प्रेम चोपड़ा की ख्याति स्टारडम बॉलीवुड में एस्टैब्लिश हो गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने राज कपूर के साथ काम नहीं किया था। तो ऐसे ही किसी पार्टी में राज कपूर ने कहा कि भाई मेरी फिल्म में काम करो, लाइन सिर्फ एक ही है। कुछ रिश्तेदारी, कुछ घर का प्रेशर, रिश्तेदारी तो है ही ना, क्योंकि हमारे प्रेम जी की जो धर्मपत्नी हैं, उमा भाभी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी बड़ी बहन जो है वो कृष्णा आंटी हैं, आप समझे। तो इस रिश्ते से साड़ू भाई हुए। साड़ू भाई ग्रेट, तो मना नहीं कर पाए। अब वो पहुंच गए, जबकि आप ताज्जुब करेंगे कि प्रेम चोपड़ा की फिल्में रिलीज हो चुकी थी, हिट हो चुकी थी, वो स्टार बन चुके थे। फिर भी जमाना उस वक्त इतना कमर्शियल नहीं हुआ था, लोगों को रिश्तेदारी का पास था, तो पहुंच गए। अब सेट पे पहुंचे कि क्या बोलना है, कह लेंगे ये नई लड़की है डिंपल कपाड़िया, सिर्फ इसका हाथ पकड़ लेना। हाथ पकड़ के बोलना, क्या बोलोगे, क्या बोलना है, कह लेंगे यार अपना नाम ही बोल दो चलो। और ऐसा ही हुआ शूटिंग के अंदर, उन्होंने यही बोल दिया, प्रेम, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। ऐसे ही कुछ है ना वो डायलॉग बॉबी फिल्म के अंदर, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अच्छा जी ठीक है, अब शिकवा शिकायत क्या करना था, रिश्तेदारी भी है, ग्रेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर है राज कपूर। एक ही लाइन उन्होंने बोली और ऐसा ही हुआ, फिल्म आई। मगर इस एक लाइन ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि ये लाइन ही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, ये हिट हो गई। हिट हो गई, वैसे ही स्टार थे और बड़े स्टार हो गए। बच्चा बच्चा जानने लगा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और बात यहां तक पहुंच गई कि जब हमारे प्रेम जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम भी है प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। लेकिन साथ साथ एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, संभवतः ये पहली बार हुआ, शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी स्टार का जो रियल नाम है वही फिल्म में उस कैरेक्टर का नाम रखा गया हो और वही नाम हिट हो गया हो। देखिए आज तक मेरे सामने तो ऐसा कोई केस है नहीं। अमरीश जी का नाम हुआ मोगाम्बो खुश हुआ, लेकिन हमारे अमरीश जी थे। डैनी साहब ने भी अपना नाम कभी डैनी उस तरह से, गुलशन भाई है वो, गुलशन ग्रोवर, उन्होंने क्या, सदा जी ने कभी अपना नाम वैसे नहीं किया। प्राण साहब ने भी ऐसा नहीं किया कि मेरा नाम प्राण है। लेकिन ये शायद प्रेम जी का पहला केस है कि जो उनका रियल नेम है प्रेम चोपड़ा, वही फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम रखा गया और वही हिट हो गया। बात कुछ पुरानी है। मुंबई के माटुंगा इलाके में मसानी रोड है, जो कभी पंजाबी गली के नाम से मशहूर हुआ करता था। बीते जमाने की बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां वहां रहा करती थी। पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार के साथ, केएल सहगल, मदनपुरी, मनमोहन कृष्ण, जगदीश सेठी और खलनायक केएन सिंह भी। पास ही में डॉन बॉस्को हाई स्कूल और वीजेटीआई कॉलेज हुआ करते थे, जहां के बहुत से लड़के लंच ब्रेक में इन सितारों के घर ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ आदि लेने चले आया करते थे। तो एक दिन कुछ लड़कों का ग्रुप केएन सिंह के घर जा पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो संयोग से केएन सिंह ने ही दरवाजा खोला और अपने अंदाज में भ्रुकुटियां उठाकर बोले, क्या चाहिए। लड़कों में से एक बोला, आपकी फोटो चाहिए। केएन सिंह बोले, यहीं ठहरो। अंदर गए और अपने कुछ फोटो जिसमें उनके हस्ताक्षर थे वो लड़कों के बीच बांट दिए। ये खबर लड़कों के बीच फैल गई
तो अगले दिन वासुदेव शेट्टी नाम का लड़का भी केन सिंह के घर जा पहुंचा। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। दस्तक देने पर केन सिंह ने दरवाजा खोला, भ्रुकुटियां उठाई और अपने अंदाज में पूछा, क्या चाहिए? वासुदेव शेट्टी बोला, क्या केन सिंह घर पर है? अब केन सिंह ने उस लड़के को घूरकर देखा और बोले, नहीं, केन सिंह बाहर गए हुए हैं। आखिर वासुदेव शेट्टी को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि शायद वो केन सिंह के नाम का ही फैन था, उन्हें पहचानता ही नहीं था, ना ही उसने केन सिंह की कोई फिल्म देखी थी। ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है, भीड़ जब जमी होती है, किसी का ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं तो सभी ऐसी भेड़ चाल के अंदर कर लेते हैं, कहले भाई आपको मेरा नाम मालूम, कहले मुझे तो आपका नाम मालूम। ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ। किस्सा मद्रास का है, जहाँ जया भादुड़ी फिल्म नया दिन नई रात की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में उनके साथ संजीव कुमार मेन रोल में थे। संजीव कुमार ने इस फिल्म में 9 भूमिकाएं निभाई हैं। इन 9 रोल्स में से एक रोल था एक कोढ़ी का, एक भिखारी का। एक दिन हुआ यूं कि संजीव कुमार अपने होटल से अपना कोढ़ी भिखारी वाला मेकअप कराकर चल पड़े अपनी गाड़ी में सेट की तरफ। वक्त था दोपहर का, वो पूरे कोढ़ी और भिखारी के गेटअप में थे। जैसे ही उनकी गाड़ी स्टूडियो पहुंची, उन्होंने देखा कि स्टूडियो के बाहर ही, या उस फ्लोर के बाहर ही, जया भादुड़ी अपने असिस्टेंट के साथ पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर झपकी ले रही हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टूडियो के गेट पर ही रुकवा दी। अपने मेकअप मैन सरोश मोदी को बोला कि आप चलो गाड़ी से, मैं उतरकर पैदल आता हूं। गाड़ी से उतरे और सीधे पहुंच गए पेड़ के नीचे झपकी ले रही जया भादुड़ी के पास और उनको जगाने की कोशिश करने लगे भीख मांगकर। जया जी ने आंखें खोलकर जैसे ही उन्हें देखा वो घबरा गई। मारे डर के जया जी ने स्पॉट बॉय को बुलवाया और उस पर लगी चिल्लाने कि कैसे एक कोढ़ी स्टूडियो में घूम रहा है और तुम सब लोग सो रहे हो, बाहर निकालो इसे। अब जैसे ही स्टूडियो के लोगों ने भिखारी बने संजीव कुमार को पकड़कर बाहर निकालना शुरू किया, तो संजीव कुमार ने अपनी असली आवाज में बात करना शुरू कर दिया। मगर इतना करने के बावजूद भी जया जी और सारे लोग इतने कन्विंस थे संजीव कुमार के अभिनय से, उनके गेटअप से, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से रिएक्ट करें। घबराई हुई जया जी को संजीव कुमार की असली आवाज सुनने के बावजूद उन्हें पहचानने में वक्त लग गया। जब संजीव कुमार ने खुद उन्हें समझाया कि भाई मैं हरि हूं, संजीव हूं, तब जया ने डाइजेस्ट किया कि वो संजीव कुमार के प्रैंक की शिकार हो चुकी है। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध रंगकर्मी, प्रसिद्ध अभिनेता श्री आशीष विद्यार्थी को। श्री आशीष विद्यार्थी का जन्म हैदराबाद में हुआ। आपके पिता श्री गोविंद विद्यार्थी और माता जी श्री रेवा विद्यार्थी। जन्म तारीख 19 जून 1960। आशीष विद्यार्थी का परिवार 1963 में हैदराबाद से चला आया दिल्ली, जहां आशीष विद्यार्थी ने हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री के साथ बीए किया। शिक्षा पूरी करने के बाद आशीष ने अभिनय की यात्रा टीवी सीरियल से आरंभ की। पहले पहले छोटी मोटी भूमिकाएं मिलती रहीं। सिनेमा की दुनिया में आशीष विद्यार्थी का प्रवेश कन्नड़ भाषा की फिल्म आनंद से हुआ, जिसमें वो शिवराज कुमार और सुधा रानी के साथ नजर आए। हिंदी फिल्मों में उनकी आमद रही 1942 लव स्टोरी से। 1993 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। उसके बाद संघर्ष, और संघर्ष के कुछ सालों के बाद आशीष विद्यार्थी ने खलनायक की भूमिकाओं में, नेगेटिव रोल्स में अपनी विशेष पहचान बनाई। श्री आशीष विद्यार्थी ने अपने 20 साल से ऊपर के एक्टिंग करियर में हिंदी के अलावा और भी भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख हिंदी फिल्में रहीं क्या यही प्यार है, बिच्छू, कहो ना प्यार है, रहस्य, बादल, जोड़ी नंबर 1, भाई, हसीना मान जाएगी, नायक, द्रोहकाल, जिद्दी, बर्फी, 1 और 1 11, इस रात की सुबह नहीं, वास्तव द रियलिटी, जानवर, बाजी, आवारापन, लंबा है, नाजायज, जुर्म, जोरू का गुलाम, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मिस्टर ब्लैक, मिसेस वाइट, रंग रसिया इत्यादि। फिल्मों के साथ साथ आशीष विद्यार्थी थिएटर और टेलीविजन भी करते रहे हैं। उनके कुछ उल्लेखनीय टीवी सीरियल्स, हम पंछी एक चाल के, दास्तान, 24। श्री आशीष विद्यार्थी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट विलन के लिए अनेक अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें नेशनल अवार्ड
फिल्मफेयर अवार्ड तथा स्क्रीन अवार्ड भी शामिल हैं। परिवार में उनकी पत्नी राजुश्री और पुत्र अर्थ विद्यार्थी हैं। वो सपरिवार सुखी रहें और अपनी बेहतरीन अदाकारी से मनोरंजन करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना। बड़ा अटपटा लगा। 2015 में प्रदर्शित फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की एक त्रुटि को देखकर हमें बड़ा अटपटा लगा। आप हैं कौन? डिटेक्टिव जी, बिल्कुल है। पुलिस वाले हैं? बिल्कुल है। ऐसे आप करते क्या हैं? मुझे लगता है किसी ने उनका खून करके उनकी लाश छुपा करके। इस फिल्म के एक दृश्य में जब डॉक्टर अनुकूल सिन्हा वापस आता है और ब्योमकेश से बिल्डिंग की छत पर मिलता है, तो उस समय कोलकाता में ब्लैक आउट हो रहा होता है क्योंकि जापानीज शहर पर बमबारी कर रहे थे। लेकिन इस दृश्य को गौर से देखें तो ब्योमकेश के पीछे एक बल्ब लटका है जो जलता हुआ दिखाई देता है। ब्लैक आउट में सामान्यतः बाहर पूर्ण अंधेरा होना चाहिए और सोर्स ऑफ लाइट क्रिएट करने के लिए चांदनी का सहारा भी लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर सिनेमेटोग्राफर ने एक बल्ब का सहारा लिया जो उस में फिट नहीं बैठता है। यही बड़ा अटपटा लगा। आज जोधपुर से मोहित गौतम ने पूछा है कि भारत में संस्कृत भाषा में कितनी फीचर फिल्म्स बनी हैं। तो मोहित साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, इस भाषा में अब तक 3 फीचर फिल्म्स ही बनी हैं। प्रथम आदि शंकराचार्य 1983 में, दूसरी भगवद्गीता 1992 में और तीसरी प्रिय मानसम। आदि शंकराचार्य को बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट ऑडियोग्राफी, यानी 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। भगवद्गीता को भी बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। लेकिन आप जानते हैं कि इस भाषा में कम फिल्में बनने का सबसे बड़ा कारण है, इस भाषा को बहुत कम लोग ही बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, और ये अब लुप्त भी हो रही है। केवल पुरोहितों और पंडितों के पास ही रह गई है। परंतु वर्तमान के वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से ये स्वीकार कर लिया है कि संस्कृत भाषा जो है वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अति उत्तम भाषा है। ये वो भाषा है जिसमें जो बोला जाता है वही पढ़ा जाता है और वही लिखा जाता है। बाकी भाषाओं के अंदर जियो गो हो सकता है, डीओ डू हो सकता है, इसी पर्शियन के अंदर भी बहुत, लेकिन ये वो भाषा है, इसलिए इसको मोस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा जाता है। संस्कृत भाषा को जो लिखा जाता है, आपने कहा नेत्र, लिखा गया भी नेत्र है, ना में एक ही मात्रा और त्र, नेत्र लिखा गया है, पढ़ा भी नेत्र गया है और बोला भी नेत्र गया है। और बहुत ही बड़ी भाषा है इस, और हम जानते नहीं हैं, मॉडर्न इंडिया के लोग शायद अंग्रेजी के प्रभाव में इतने दबे हुए कि संस्कृत भाषा की महत्ता को अभी तक शायद पहचान नहीं पाए कि संस्कृत भाषा में जो साहित्य लिखा गया है, संस्कृत भाषा के अंदर जो विज्ञान की खोजें की गई हैं। अगर आप सुनने वालों के पास समय हो और कभी मन करे तो सुश्रुता को ही पढ़िएगा, चार्वाक को पढ़िएगा, आप वराहमिहिर को पढ़िएगा, आर्यभट्ट को पढ़िएगा, रामानुज और शंकर को पढ़िएगा, योग वशिष्ठ पढ़िएगा, तब आपको पता पड़ेगा संस्कृत भाषा के अंदर क्या ज्ञान का कितना सागर आपको मिलेगा। यही भाषा है जिसके अंदर कभी भी वायलेंस की तरफ इंस्टिगेट नहीं करती है भाषा, जितना भी थोड़ा बहुत, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब संस्कृत भाषा बोलती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो सबका कल्याण, इतनी मानव जाति के कल्याण की भाषा है ये संस्कृत भाषा। और अगर इसके अंदर कुछ सीखे भी हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इसके अंदर संपूर्ण मनुष्य जाति, संपूर्ण मानव जाति, समस्त जगत के कल्याण की जो प्रार्थनाएं संस्कृत भाषा में हैं, दुनिया की किसी और भाषा में नहीं लिखी गई हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कभी बात मेरी बुरी लग जाए तो अपना समझ के माफ कर देना। चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। जय हिंद, वंदे मातरम।